शमन के सीरियस चेहरे को देख के कैलाश, नीरा, निकेत और वहां मौजूद सभी लोग परेशान थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी पूछने की। फिर हिम्मत करके कैलाश आगे बढ़ के शमन से पूछता है, डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? शमन थोड़ी देर तक कैलाश को देखते हैं, मानो वो ये सोच रहे हो कि कैलाश को दक्ष की बर्बाद हो चुकी कंडीशन के बारे में कैसे बताएं, कैसे कहें कि उन्हें बचा पाना अब मुश्किल था। कैलाश इंपेशेंट हो रहा था और वो दोबारा बेहद चिंता के साथ पूछता है, आप सोच क्या रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डैड ठीक तो? तुम्हारे डैड को बचा पाना अब बहुत मुश्किल है कैलाश। शमन कैलाश को शांत करते हुए कहते हैं। शमन की बातों पे कैलाश को और वहां खड़े किसी भी इंसान को विश्वास नहीं होता है। वहीं कैलाश कह उठता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता भी है डैड कितनी दूर से खुद पैदल चल के यहां तक आए हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। कैलाश का दुख शमन समझते हैं और जो वो कह रहे थे उन्हें बताते हुए दुख की अनुभूति हो रही थी। पर सच तो यही था कि राजा दक्ष की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी और उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। शमन कैलाश को समझाते हुए कहते हैं, कैलाश मैं तुम्हारा दुख देख सकता हूं पर तुम्हें सच कबूलना होगा। जो राजा जी की कंडीशन है उससे उनका बच पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। उनका पूरा का पूरा आभा मंडल क्षीण हो चुका है जिसकी बदौलत उनकी रिकवरी हो सकती थी। उन्होंने लड़ाई में उसका ही प्रयोग कर लिया था शायद, और अब वो बेहद कमजोर हो गया है। समय के साथ वो खत्म हो जाएगा, उसी के साथ राजा दक्ष की सारी शक्तियां भी। और द्वंद में मिले सारे घाव बहुत घातक थी, उनकी बॉडी में जहर फैल चुका है। मेरे पास कोई भी ऐसी औषधि नहीं है कि उस जहर का असर मैं पलट सकूं। लेकिन कैलाश ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, जबकि उसके अलावा सभी का दिल बैठ चुका था। अब अपने आप को संभाल नहीं पाती है और फूट फूट के रोने लगती है। पर कैलाश को अभी भी शमन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर से शमन से कहता है, मैंने सुना है आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मरते हुए इंसान की जान बचाने की काबिलियत है आप में। फिर आपकी वो सारी काबिलियत क्या बस बातों की थी? मेरे डैड को नहीं बचा सकते आप, बस यूं ही अपने हाथ खड़े कर दिए आपने। राजा दक्ष अगर चाहते तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों से अपना हाथ खींच सकते थे, पर क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के अंगीरा को उस वरद जैसे शैतान से बचाया है। और क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते उनकी जान बचाने के लिए? शमन दुख से अपना सर नीचा कर लेते हैं। शमन को हारा हुआ देखकर कैलाश के चेहरे का सारा रंग उतर जाता है। उसकी अंतरात्मा नौकरम को आवाज लगाती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी वजह से राजा दक्ष की जान चली जाए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प माय डैड, प्लीज प्लीज प्लीज। कैलाश नौकरम से अपने पिता की जान बचाने की भीख मांगता है, पर इसके पहले कि नौकरम कुछ कहता, कैलाश देखता है कि शमन वापस उसकी तरफ एक अलग ही नजरों से देख रहे थे। वो तुरंत कह उठता है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कुछ किया जा सकता है? शमन कैलाश को इतना व्याकुल देख नहीं पा रहे थे, पर वो उसकी उम्मीदें भी ज्यादा नहीं जगाना चाहते थे। यही सोचकर वो कहते हैं, कैलाश मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा बताया ये नुस्खा काम करेगा या नहीं, पर राजा दक्ष के शरीर में दोबारा एनर्जी का संचार पैदा करने में एक औषधि काम आ सकती है। कैलाश पूछता है, कौन सी औषधि समन? आप मुझे बताएं, मैं अभी उसे लेके आपके पास आता हूं। क्या नाम है उस औषधि का? कैलाश के मन में जगी आशा को शमन तोड़ना नहीं चाहते थे, पर जिस औषधि का जिक्र उन्होंने किया था उसे पाना इतना आसान नहीं था। फिर भी वो कैलाश को बताते हैं, कैलाश जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूं उसका
नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो औषधि मिलती कहाँ है वो जानना जरूरी है। वो एक ऐसी जगह है जहां से उसे ला पाना किसी के बस की बात नहीं है। कैलाश शमन से कहता है, वो औषधि धरनी के किसी भी छोर में क्यों ना हो, मैं उसे ला के दिखाऊंगा। आप बस मुझे उसके बारे में बताएं। शमन कैलाश को बताते हैं, कैलाश वो औषधि तुम्हें धरनी के ऐसे इलाके से लानी पड़ेगी जहां पहुंच पाना ही मुश्किल होगा, और अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम्हारे वापस आने तक शायद राजा दक्ष बच ना पाए। कैलाश फौरन कहता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, कहां जाना है मुझे? तुम्हें वो औषधि सप्तम महाद्वीप जाके लानी होगी। शमन कैलाश को बताते हैं, सप्तम त्रिवास से अलग एक धरनी का ही कॉन्टिनेंट था, पर परेशानी ये थी कि त्रिवास और सप्तम के बीच पिछले कई दशकों से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, और अब दोनों कॉन्टिनेंट में किसी का भी आना जाना नहीं होता था। शमन कैलाश से कहते हैं, तुम तो जानते ही हो कैलाश, त्रिवास और सप्तम के बीच क्या चल रहा है, वहां पहुंच पाना ही मुश्किल है। अगर कोई जहाज या प्लेन हमारे कॉन्टिनेंट से उनके इलाके में पाया जाता है तो वो लोग उसे ध्वस्त कर देते हैं, फिर चाहे वो किसी भटके हुए यात्री का ही क्यों ना हो, उसका विनाश तय है। तुम अगर वहां किसी तरीके से पहुंच भी जाओ तो समय रहते तुम्हारा वापस आना मुमकिन नहीं है। शमन की बात सुन रहे कैलाश के चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ देखा जा सकता था। उसने शमन की बात पूरी होने से पहले ही ये तय कर लिया था कि वो सप्तम जाके वो औषधि लेके आएगा। वो सीधा पूछता है, औषधि का नाम क्या है और सप्तम पहुंचने के बाद मुझे वो कहां मिलेगी? सप्तम का नाम सुनते ही सभी नाउम्मीद हो चुके थे। सब जानते थे कि वहां जाने का एक ही मतलब है, मौत। कैलाश के ऐलान ने नीरा को दोहरा झटका दिया था। वो कैलाश से कहती है, कैलाश ये तुम क्या कर रहे हो? हम सब जानते हैं सप्तम में किसी का भी जाना उसकी मौत पक्की कर देता है। अगर तुम वहां से वापस ही नहीं लौट पाओगे तो हम गुरुजी को नहीं बचा सकेंगे और तुम्हें भी हम खो देंगे। कैलाश कहता है, ऐसा नहीं होगा नीरा, मैं डैड को बचा के रहूंगा। धरनी की कोई भी शक्ति मुझे अब कोशिश करने से नहीं रोक सकती, फिर भले ही मेरी जान चली जाए तुम मुझे नहीं रोक सकते। शमन आप मुझे सिर्फ उस औषधि का नाम बोलें और ये बताएं कि मैं उसे कैसे पहचानूंगा। ये सुनकर शमन कहते हैं, कैलाश उस औषधि को त्रिगुण बूटी कहते हैं। मुझे नहीं पता कि सप्तम में उसे किस नाम से जाना जाता है, पर उस औषधि की एक अलग खूबी यह है कि उस पर इंसान की नजर पड़ते ही वो औषधि गायब हो जाती है, और इसी वजह से उसे आज तक किसी ने भी हासिल नहीं कर पाया है। कैलाश कहता है, मुझे पता है उस औषधि को कैसे लाना है। ये सुनकर निकेत कहता है, कैलाश ये नामुमकिन है, तुम कैसे ऐसी चीज लाने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे देखते ही गायब हो जाएगी? मुझे तुम्हारा यह निर्णय बिल्कुल गलत लग रहा है। फिर निकेत नीरा की तरफ देखता है और कहता है, नीरा तुम कुछ क्यों नहीं समझाती कैलाश को, यह पागलपन है। नीरा कैलाश को शांत करते हुए कहती है, कैलाश तुम्हारी कंडीशन हम सब समझ सकते हैं, पर तुम इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते। क्यों अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हो? हम गुरुजी को बचाने की यही कोशिश करेंगे। कैलाश नीरा की तरफ देख के कहता है, नीरा तुमने भी शमन की बात सुनी है, डैड को बचाने का यही एक तरीका है और मैं उसे आजमाए बिना नहीं रहूंगा। कैलाश का डिसीजन फाइनल हो चुका था। कैलाश वहां खड़े गार्ड से कहता है, मेरे लिए प्लेन तैयार किया जाए, सप्तम तक मैं प्लेन से ही जाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो प्लेन चाहिए। रात काफी हो चुकी थी और सभी ने कैलाश को मनाने की बेकार कोशिश कर ली थी। दक्ष अकेले अपने बेड पे लेटे हुए थे, बेजान और निष्क्रिय। कैलाश अभी भी अपने पिता के कक्ष में ही था। तभी कैलाश को नौक्रम की याद आती है तो वो सवाल करता है, क्या मैं अपने डैड को बचा पाता हूं? क्या मैं त्रिगुण बूटी
लेके आ पाऊंगा। इस पर नौकरम कहता है, यह पूरी तरह तुम्हारी शक्ति पे निर्भर करता है। क्या वो बूटी तुम्हारे पिता की जान बचा पाती है, यह बताना मुश्किल है। तुम्हारा उसे मल्लारी लेके आ पाना संभव हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें और शक्तियों की जरूरत है। इतनी शक्ति के लिए तुम्हें मुझे 100 मणियां देनी होगी। ये सुनकर कैलाश नौकरम से कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ मणियों की चिंता होती है? कितने लालची हो तुम, और मैं वो 100 मणियां कहां से लाऊंगा? नौकरम कहता है, यह सोचने का काम मेरा नहीं तुम्हारा है। अगर तुम मुझे 100 मणियां लाके देते हो, मैं तुम्हें त्रिगुण बूटी लाने का तरीका बता सकता हूँ, और तुम्हें कुछ जरूरी शक्तियां भी प्रदान कर सकता हूँ। कैलाश इस सोच में पड़ जाता है कि उसे 100 मणियां कहाँ से मिलेंगी। वो तुरंत अपने पिता के कमरे में छानबीन करने लगता है, पर उसे वहां कुछ खास नहीं मिलता। कैलाश को आश्चर्य होता है कि उसके पिता के पास जरा भी धन नहीं था, ना ही उनके पास कोई मणि है। सोच में डूबे कैलाश को अचानक मानो कोई आइडिया आता है। दूसरी तरफ निकेत महल से जा चुका था और कैलाश के जाने के इंतजाम करने में लग गया था। सुबह होने को कुछ घंटे ही रह गए थे। निकेत अपने घर लौटता है और घर के अंदर आते ही वो देखता है कि कोई अंधेरे में उसका वेट कर रहा था। घबराया हुआ निकेत अलर्ट होकर कहता है, कौन बैठा है वहां? कमरे की लाइट जलती है और निकेत कैलाश को वहां बैठा पाता है। निकेत पूछता है, कैलाश तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए निकेत, यही मौका है तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का, कैलाश निकेत से कहता है। निकेत कैलाश की बात समझ नहीं पाता है कि आखिर कैलाश उससे चाहता क्या था, इसलिए वो पूछता है, क्या चाहते हो तुम? क्या करना होगा मुझे तुम्हारा भरोसा हासिल करने के लिए? कैलाश निकेत से कहता है, मुझे 100 मणियों की जरूरत है, और मैं जानता हूं कि पूरे अंगीरा में एक तुम ही हो जिसके पास इतनी मणियां मिल सकती है। इतने सारी मणियों की जरूरत सुनते ही निकेत के कान खड़े हो जाते हैं। वो कैलाश से कहता है, कैलाश तुमने मुझे जो भी तैयारी करने कहा था मैंने कर दी है। मुझे पहले से ही तुम्हारा वो त्रिगुण बूटी लेके आने वाला प्लान ठीक नहीं लग रहा। बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वहां से वापस आ पाओगे, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। सप्तम जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुमने अपने पिता को बचाने की कोशिश भी नहीं करी। कैलाश इतनी रात में निकेत से ये सब सुनने नहीं आया था। वो निकेत से कहता है, निकेत बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे सप्तम जाने से खुद सप्तम वाले भी नहीं रोक सकते। मेरी तुम्हारे पास आने की वजह कुछ और है। मुझे अभी 100 मणियों की जरूरत है, और तुम मुझे वो दे सकते हो, या मैं वो छीन भी सकता हूं, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निकेत को कैलाश का धमकी भरा अंदाज ठीक नहीं लगता है, पर वो जानता था सच तो वही है। अगर कैलाश चाहता तो निकेत से उसका सब कुछ छीन सकता था, और वो बदले में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो कैलाश से कहता है, अगर महाराज जिंदा होते तो वो तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं देते। उनके जाते ही तुम बदलने लगे हो। कैलाश गुस्से से निकेत का कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर लटका देता है। डैड कहीं गए नहीं है निकेत, और ना ही वो कहीं जाएंगे। क्या निकेत से कैलाश को वो 100 मणियां मिल जाएंगे, और कैलाश को त्रिगुण बूटी लाने का कौन सा रास्ता दिखाता है नौकरम? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। निकेत के दोनों पैर हवा में झूल रहे थे और कैलाश ने उसे दीवार पे
अपने हाथों से लटका रखा था। कैलाश की आंखों में निकेत को वो डिटर्मिनेशन दिखाई देता है जिसमें उसके कोई भी तर्क खलल नहीं डाल सकते। कैलाश को कुछ भी समझा पाना बेकार था। 100 मणियों को जोड़ना अपने आप में कई सालों की मेहनत का काम था। निकेत ने भी उन्हें बहुत कवायद के बाद हासिल किया था और अब अचानक एक झटके में उसे कैलाश को दे देना, वो भी एक ऐसे काम में जिसके मुकम्मल होने के आसार लगभग ना के बराबर थे, निकेत को गवारा नहीं था। निकेत कैलाश से कहता है, कैलाश मुझे नीचे उतारो। निकेत को कुछ भी कह पाने में परेशानी हो रही थी। कैलाश ने उसे गले से लटका रखा था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। कैलाश निकेत को नीचे जमीन पे लाता है। अपने गले को मलते हुए निकेत खांसने लगता है। थोड़ी देर बाद निकेत खुद को संभालते हुए कैलाश से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कैलाश, 100 मणियों की बात तो किसी ने नहीं की थी। तुम्हें सप्तम जाना है, मैंने तैयारी कर दी है, वहां जाके तुम इन मणियों का क्या करोगे, जबकि वहां तो उनका कोई मोल ही नहीं। निकेत के सवालों का कैलाश जवाब नहीं देना चाहता था। कैलाश बात टालते हुए कहता है, इस बात का जवाब मैं तुमको नहीं दे सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी इस हेल्प को मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता, और मैं तुम्हें जबान देता हूँ कि डैड के बाद अंगीरा के राजा तुम ही बनोगे, मेरी उसमें कोई भी दावेदारी नहीं होगी। कैलाश की बात सुनते ही निकेत के कान चौकन्ने हो जाते हैं। 100 मणियां देके भविष्य में अंगीरा का राजा बन पाने का सौदा बुरा नहीं था। निकेत की आवाज में शक साफ महसूस किया जा सकता है जब वो कैलाश से पूछता है, कहीं तुम अपनी बातों से पीछे तो नहीं हट जाओगे। कैलाश कहता है, जिसकी जान बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं उनकी सौगंध खाता हूँ कि मैं इस सिंहासन में नहीं बैठूंगा, उस पे पहला हक तुम्हारा होगा। निकेत की आंखें कैलाश के ऊपर ही गड़ी हुई थी, मानो वो उसके कहे एक एक शब्द को परख रही हो। काफी सोचने के बाद आखिर में निकेत अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है कैलाश, मैं तुम्हें वो मणि दूंगा। मैं भी चाहता हूँ अंगीरा पर आगे और कई साल तुम्हारे डैड ही राज करें, उनकी जान बचाना जरूरी है। मैं अनादि से भी यही मनाऊंगा कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल हो जाओ। कैलाश को निकेत अपने ही घर के एक तहखाने में ले जाता है। कैलाश देखता है कि निकेत ने वहां काफी धन इकट्ठा कर रखा था। उसे इससे कोई मतलब नहीं था, उसे बस 100 मणियों की जरूरत थी। और थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी तिजोरी नुमा दरवाजे से निकेत बाहर आता है। उसके हाथों में एक रेशमी थैली होती है जिसे वो कैलाश को देते हुए कहता है, यह रही तुम्हारी 100 मणियां। कैलाश वो छोटी सी रेशमी थैली लेता है और उसे खोल के देखते हुए पूछता है, तुमने ठीक से गिन लिए है ना। कैलाश निकेत की ओर देखता है। निकेत कैलाश को दिलासा देता हुआ अपना सिर हिलाता है और कहता है, तुम गिन सकते हो। कैलाश कहता है, मेरे पास अब उतना समय बचा नहीं है निकेत, कुछ ही घंटों में उजाला हो जाएगा, मैं नहीं चाहता मेरे जाने की खबर बाहर निकले, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मुझे जाना होगा। इतना कहकर कैलाश वहां से जाने लगता है। निकेत पीछे से कैलाश को आवाज देते हुए रोकता है, कैलाश। कैलाश मुड़कर निकेत की तरफ देखता है। निकेत झिझकता हुआ कैलाश से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, कैलाश तुम जानते हो जहां तुम जा रहे हो वहां से लौटना बहुत मुश्किल है। हाँ जानता हूं, कैलाश का जवाब आता है। निकेत कहता है, कैलाश अगर किसी सिचुएशन में तुम लौटे नहीं और हम राजा को बचा नहीं पाए तो क्या मैं। कैलाश निकेत की बात समझ जाता है और निकेत से कहता है, हाँ निकेत अगर ऐसा होता है तो अंगीरा की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में होगी और नीरा तुम्हारी सेकंड इन कमांड। कैलाश की बात सुनके निकेत को तसल्ली होती है और वो मूड हल्का करता हुआ मजाक में कहता है, नीरा ओके फिर तो तुम्हारा वापस आना बहुत जरूरी है। निकेत की बात सुनके कैलाश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है जिसे लिए कैलाश वहां से चला जाता है। इधर राजा दक्ष की हालत धीरे धीरे और खराब हो रही थी। नीरा और शमन दोनों वहां मौजूद थे।
शमन लगातार दक्ष की कंडीशन चेक कर रहे थे। नीरा को कुछ भी खास समझ नहीं आ रहा था। राजा दक्ष की बॉडी के सारे घावों की ड्रेसिंग कर दी गई थी और कमरे में लगी हुई मॉनिटर स्क्रीन्स में उनके वाइटल्स ऑब्जर्व किए जा रहे थे। कमरा एकदम शांत था। दक्ष को शांत सोता देख शमन नीरा से कहते हैं, नीरा अब हम बस कैलाश के सप्तम से त्रिगुण बूटी लाने का वेट कर सकते हैं। मुझ में जितना भी हो सकता था वो मैंने कर दिया है। राजा की एनर्जी फील्ड धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। काम नामुमकिन है, पर कैलाश अगर वो बूटी समय रहते यहां ले आया तो चमत्कार हो सकता है। वैसे है कहां कैलाश? नीरा को भी पता नहीं था कि कैलाश उस वक्त कहां था। वो कहती है, जी मैं अभी देखती हूं। ऐसा कहते हुए नीरा वहां से कैलाश को ढूंढने निकल जाती है। इधर कैलाश एक सुनसान सी जगह पर नौकरम से बात कर रहा था। नौकरम की आवाज आती है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा वहां से वापस आ पाना मुमकिन होगा, क्योंकि तुम्हारे उस प्लेन को सप्तम में देखते ही मार गिराया जाएगा, जिसके बाद तुम्हें अपने आप को उनकी नजरों से बचाना होगा। मेरे बताए तरीके से तुम उस त्रिगुण बूटी को अपने कब्जे में भी ले लोगे, पर वापसी का इतना लंबा सफर समय रहते कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी ही। कैलाश नौकरम की बात सुनके विचलित सा दिख रहा था। कैलाश कहता है, पर मेरा ऐसा कर पाना नामुमकिन है नौकरम। ऐसे में तो डैड की जान बचने से पहले मेरी ही जान जा सकती है। कैलाश को नौकरम जवाब में कहता है, इसीलिए तो मैंने तुमसे इन 100 मणियों की मांग की थी। तुम्हारे पास अब वो काबिलियत है कि तुम ना सिर्फ उससे अपनी जान बचा पाओगे, बल्कि अब तुम उसे अपने काबू में भी कर सकते हो। कैलाश नौकरम की बातों को सोचते हुए एक गहरी सांस लेता है। तभी वहां नीरा आ जाती है और कैलाश से कहती है, कैलाश सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम्हें जाना होगा। कैलाश नीरा की तरफ देखता हुआ कहता है, हाँ नीरा, पर पहले मुझे शमन से कुछ चाहिए। नीरा पूछती है, क्या? कैलाश कहता है, वो मैं शमन को ही बता सकता हूं। नीरा दक्ष के कमरे के बाहर ही खड़ी होती है जब उसके सामने से शमन आकर कमरे में एंटर करता है। नीरा बाहर ही वेट कर रही थी। उसने रिक्वेस्ट की गई थी कि कैलाश समन से अकेले में ही बात करना चाहता था। नीरा ने देखा था कि कमरे में एंटर करते वक्त शमन अपने साथ एक संदूक भी अंदर ले गए थे। कमरे के अंदर शमन कैलाश के पास आके कहते हैं, यह लो कैलाश, जो तुम चाहते वो मैं ले आया हूं, पर इतनी क्वांटिटी में तुम्हें इस चीज की क्या जरूरत पड़ गई? पूरी सप्तम की फौज पे इस्तेमाल करने जा रहे हो क्या? कैलाश कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए शमन। शमन कैलाश से कहते हैं, तुम्हारे पिता के पास ज्यादा समय नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो कैलाश, मुझे उम्मीद है तुमने सोच समझ लिए हैं। कैलाश कहता है, जी शमन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मल्लारी की एयर स्ट्रिप तैयार थी और एक बड़ा सा प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी था। नीरा वहां खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। दूर दूर तक घास के मैदान के बीच एक लंबी सी रोड उसकी नजरों के सामने थी। नीरा अपनी घड़ी की तरफ देखती है। अंधेरा अभी भी
कायम था और उस विशाल फील्ड को बड़ी बड़ी फ्लड लाइट से रोशन किया गया था, जिसकी वजह से फील्ड के चारों तरफ फैली ऊंची घास का कलर भी नारंगी सा हो गया था। कैलाश के लेट होने की चिंता नीरा के चेहरे पर साफ थी और वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी। इतने में नीरा की नजर दूर एक ट्रक पर पड़ती है जो कि इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। नीरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हुए उस ट्रक को पहचानने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाती, वो ट्रक ठीक प्लेन के पास आ चुका था और फिर उस पे जोर से ब्रेक मारते हुए बाहर निकलता है कैलाश। कैलाश वहां पहुंच चुका था और बहुत जल्दी में दिख रहा था। नीरा देखती है कि ट्रक के पीछे बहुत बड़े आकार का कंटेनर लोडेड था। नीरा भाग के कैलाश के पास जाती है और कहती है, कहां रह गए थे कैलाश? तुम जानते हो समय नहीं है हमारे पास। नीरा की बातों को नजरअंदाज करता हुआ कैलाश वहां खड़े गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, इन कंटेनर को प्लेन में लोड करो। कैलाश के ऐसा कहते ही सभी उसके ऑर्डर के अनुसार कंटेनर को प्लेन में लोड करने लग जाते हैं और एक बड़े से फोक लिफ्ट की बदौलत बिना समय गवाए वो कंटेनर प्लेन में लोड कर दिया जाता है। नीरा ये सब देख रही थी। कैलाश जाने के लिए तैयार था और अब वो नीरा के पास आता है और कहता है, नीरा मेरे जाने का समय हो गया है। नीरा की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। कैलाश नीरा की तरफ प्यार से देखता है। मुझे रोके विदा करने वाली हो? नीरा कहती है। क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैलाश, तुम क्या करने जा रहे हो और ये इस बड़े से कंटेनर में क्या है? मेरी रिटर्न टिकट, कैलाश नीरा को बताते हुए कहता है। नीरा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। कैलाश कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता नीरा। इस पर नीरा कहती है, कैलाश किसी को भी विश्वास नहीं है कि तुम लौटोगे, प्लीज सबको गलत साबित कर देना तुम, आई बी वेटिंग फॉर यू। कैलाश नीरा की तरफ देख रहा था। नीरा की नम आंखों में उसे अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। स्माइल करता हुआ कैलाश नीरा से कहता है, नीरा मैं पूरी कोशिश करूंगा, डैड की जान बचाना ही मेरा मकसद है, मेरा किसी भी कंडीशन में वापस आना बहुत जरूरी है। कैलाश नीरा की तरफ जी भर के देख लेना चाहता था, उसके चेहरे को अपने जहन में कैद कर लेना चाहता था। और फिर कैलाश कहता है, मुझे अब जाना होगा नीरा। मन के किसी कोने में नीरा चाहती थी कि वो कैलाश को जाने ना दे, पर तीर अब कमान से निकल चुका था, कैलाश अब रोका नहीं जा सकता था। नीरा भारी मन से अपना सर हिलाती है और कैलाश को हक करती है, जिसके बाद कैलाश वहां से जाने लगता है। प्लेन का पायलट भी कैलाश के साथ बोर्ड कर रहा होता है। कैलाश उससे कहता है, इट्स ऑल राइट, आई विल फ्लाई मायसेल्फ, यू डोंट हैव टू कम। नीरा आगे बढ़ते हुए क्यूरियसली पूछती है, कैलाश हाउ कैन यू फ्लाई, यू डोंट इवन नो टू। नीरा के सामने कैलाश का शांत स्माइल करता हुआ चेहरा होता है जो उसे ही देख रहा था। कैलाश को जैसे नीरा को सरप्राइज करने में मजा आ रहा था। कैलाश नीरा से कहता है, नीरा मैं प्लेन उड़ा सकता हूं, पर तुमने तो इसके पहले। नीरा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि कैलाश उसे रोकता हुआ कहता है, नीरा ट्रस्ट मी, ये मेरी जर्नी है, मैं किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। नीरा देखती रह जाती है और कैलाश प्लेन बोर्ड कर लेता है। कैसी शुरुआत होगी कैलाश की इस एडवेंचरस जर्नी की? क्या होगा कैलाश के साथ उस सप्तम कॉन्टिनेंट में? क्या समय रहते वो त्रिगुण बूटी ला पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी पॉकेट एफएम के साथ।